दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में AK-47 की स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ। AK-47 की डिस्कवरी कहाँ हुई, किसने की और इसके के पीछे के क्या रीज़न थे, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। AK-47 की डिस्कवरी मिखाइल कलशनिकोव नाम के व्यक्ति ने की थी, जो सोवियत सेना में टैंक कमांडर थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जख्मी होने के कारण इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां युद्ध के बाकी इंजर्ड सोल्जर्स भी थे। वहां डिस्कशन के दौरान इन्हें पता चला कि कैसे सोवियत सेना के असॉल्ट राइफल जर्मन सेना के कंपैरिजन में बहुत कमजोर थे। वहां से इन्हें इंस्पायरेशन मिलती है कि क्यों ना मैं एक असॉल्ट राइफल डिजाइन करूँ। उसके पश्चात जब ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर गए, तो इन्होंने असॉल्ट राइफल के डिजाइन पर काम किया। इन्होंने अपना पहला मॉडल विकसित किया, जिसे कार्बाइन डिजाइन के नाम से जाना जाता है, और इसे सेना द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसके पश्चात 1945 में एक असॉल्ट राइफल प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया, पर वहां भी ये हार गए। बट इस बार के इनके मॉडल को AK-1 और AK-2 का कोड नेम दिया गया, जो 30 गोलियों वाला गैस डिजाइन था। 1946 और 1947 में इन्होंने अपने सारी बंदूकों या असॉल्ट राइफल से इंस्पायरेशन लेके एक नई असॉल्ट राइफल बनाई, जो अपनी सादगी, भरोसेमंदी और हर हाल में काम करने की विशेषता के कारण जानी जाती थी। 1949 में इनके इस मॉडल को सोवियत सेना द्वारा 7.62 कलशनिकोव राइफल के रूप में स्वीकार किया गया। यह मॉडल आज भी दुनिया भर में प्रचलित है और इसका इस्तेमाल दुनिया भर में 106 देशों से में किया जाता है। इस मॉडल का वजन 4.3 केजी था और इसमें 30 गोलियां मैगजीन में डाली जा सकती थी, तथा इसमें एक मिनट में 600 राउंड तक फायर किया जा सकता था। इसकी रेंज 800 मीटर थी। तो दोस्तों, ये थी AK-47 की स्टोरी।